हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। और भाई अभी है रात के बज रहे 9 और ये ब्लॉग मैंने रात को 9 बजे स्टार्ट किया है। और क्यों किया है इसलिए बताते, क्योंकि भाई आज हमारे घर में कुछ नई नई चीज़ें आई। देखो सब कुछ एकदम बिखरा पड़ा है। और देखो मैंने कल लास्ट और पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था नई वाली हमारी ये रजाई के कवर लेके आए थे, तो आज भाई वो और भी कुछ आया है सर्दियों का। अभी दिखाते हैं आपको, देखो बहुत सारी चीजें सब कुछ बिखरा है, अभी दिखाता हूँ। भाई ये देखो भाई, ये है हमारी एक जैकेट बड़ी मस्त, दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखो ब्लैक और ये व्हाइट फर वाली, ये है नन्नू की। और ये नन्नू की जैकेट है, नन्नू पहन के दिखाई, नन्नू पहन के दिखा जल्दी से। जब तक नन्नू पहन रही है मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। और ये है भाई गुड़िया का स्वेटर, रेड कलर का है ये ऐसा करके है कुछ। ये टी शर्ट है इसकी और ये ऊपर की कोटी टाइप की है कुछ, ये बटन वाली। ये तो उल्टा हो गया ये उल्टा है, ये सीधा है। सीधा करके दिखाओ भाई कैसा है। हाँ ये तो ये है भाई, इस तरह का है ये स्वेटर नया कुछ। और ये है भाई देखो, नन्नू ने जैकेट पहन ली है मस्त वाली है, देखो। अरे वाह, बस सही लग रही है जैकेट तो। टोपी लगाओ, टोपी लगा, टोपी लगा, टोपी लगा, टोपी लगा। लग रही है, ओए बढ़िया, ओ सही लग रही है। देखा देखा, लॉन्ग जैकेट है एकदम मस्त वाली। पीछे दिखा, ऐसे पीछे घूम। और ये देखो बढ़िया एकदम फुल ऑन ब्लैक, बढ़िया। और अब है भाई आज के सुपरस्टार की बारी और प्रायोरिटी है क्योंकि ये है छोटा सुपरस्टार। और ये भाई मेरा बाबू जैकेट, आप दिखाता हूँ। देखो ये नीचे से देखो, ये है भाई फुल कैसे खुश हो रहा है भाई। ये है भाई लेदर की जैकेट एकदम फुल ऑन बाइकर्स वाली, देखो क्या बढ़िया लग रहा है मेरा बेटा। ये बहुत अच्छी है मेरा बेटा, अब जींस और बूट पहनेगा ना वो बहुत स्मार्ट लगेगा। देखो कितने अच्छे फर है, देखो क्या बढ़िया वाली जैकेट है मेरे बाबू की। हाँ आप लोगों को खोल के दिखाओ, देखो हाईनेक और ये, अरे वाह और क्या, खोल के दिखाते हैं। जरा खोल दो बेटा, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, पूरा खोल दो बेटा। ये देखो स्टाइल वाली, ये देखो पहले ये मेरा बेटा एकदम, देख रहे हो ब्लेजर, ब्लेजर वाली स्टाइल में एकदम फुल लॉन रॉक स्वैग वाली जैकेट है बाबू की। देखो स्मार्ट लग रहा है ये दीदी की, बेकार ये ऐसी करती है ना ये। देखो ये है नन्नू की भाई ये, और ये रेड वाली अंदर हाईनेक, और ये भाई जैकेट, और ये मेरे बाबू की देखो एकदम बढ़िया वाली, और ये है गुड़िया की। तो भाई ये आज हुई है हल्की फुल्की शॉपिंग सर्दियों की, जो बाबू ने बहुत दिन से मौका नहीं लग रहा था लाने के लिए बाबू की जैकेट, और बाबू बहुत खुश हो रहा है। देखो देखो और ब्लैक आया, देखो हाँ सिर्फ ब्लैक आया, मेरा तो दो आया है। हाँ तो भाई कल है व्रत, कल है सकट चौथ का व्रत, अभी दिखाता हूँ। कल है सकट चौथ का व्रत, तो भाई फटाफट अभी जल्दी से गुड़िया को खाना वाना खिलाया, क्योंकि कल इसका निर्जल व्रत है और अम्मा की तबीयत खराब है, तो शायद वो ना रखे। बाकी नीचे चलते, मैं व्रत रखूंगा। आप क्यों रखोगे? नहीं मुझे रखना है मुझे ही रखना है। आपको रखना है, चलो ठीक है। तो गाइस चलो भाई अब खाना वाना खाते हैं, दिखाते हैं क्या बनेगा अभी। आज शायद खिचड़ी खाने का मन है तो खिचड़ी बनाते हैं, बाकी और कुछ अभी जो भी कुछ होगा दिखाएंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, वो कल तक कंटिन्यू रखेंगे। कल जो भी पूजा होगी, तिल वाले लड्डू भी बनेंगे वो भी दिखाएंगे, तो जो भी कुछ होगा दिखाते रहेंगे। बने रहिएगा ब्लॉग में, मजा आने वाला है, और जो भी कुछ होगा आप लोगों को दिखाएंगे। खाइए पीजिए मौज लीजिए, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस देखो भाई अब हो चुके हैं भाई कितने, 11 बजने वाले हैं और अब हम खाना खाने वाले हैं। तो भाई खाने के अंदर आज मैंने जैसे बताया, तो भाई अब है देखो खिचड़ी, तो खिचड़ी खा रहे हैं भाई हम घर में, उड़द की दाल की और चावल की। ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत खाई जाती है, और साथ में दही। और भाई नन्नू लाई है कुछ लस्सी वस्सी कुछ, ये देखो क्या लाई है, ये छाछ। और मेरा बेटा देखो पढ़ रहा है, देखो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत ज्यादा देखो, देखो कितने डेडिकेशन से पढ़ रहा है। टू और वन लिखो, तो गाइस देखो भाई अब जल्दी से डिनर करते हैं और फिर सो जाएंगे, और कल मिलेंगे। कल है सकट चौथ का व्रत, अभी 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, 1 घंटा है गुड़िया के पास। हाँ लो भाई आपको, देखो आज मैं काम कर रहा हूँ और मम्मी खाना खा रही है, कुछ काम नहीं है मम्मी को। चलो भाई गाइस का डिनर करते हैं और मिलेंगे हम कल, चलिए गुड नाइट। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, देखो भाई हो चुकी सुबह, नेक्स्ट डे हो गया है। तो भाई अब सब बाबू चला गया ऊपर, और अब हम जा रहे हैं धूप में, चले गए बाबू और पापा भी शायद धूप में गए टहलने, और भाई किचन में काम चल रहा है ये देखो। तो और अब मैं जा रहा हूँ गन्ना लेने, क्योंकि आज है सकट चौथ। आप लोगों की चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं,
भाई ये बच्चों के लिए व्रत होता है तो हर साल लगती है, तो आज की बार मम्मी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ कुछ, तो इसलिए मम्मी नहीं रख रही है तो और रखेगी गुड़िया। तो भाई गुड़िया व्रत चालू हो चुका है रात से ही, तो अब हम जा रहे हैं भाई कहाँ, गन्ना लेने। किसी को बहुत सारा सामान कर ले आए थे, अब गन्ना बचा है, गन्ना लेके आते हैं, माला लेके आते हैं, और उसके बाद जो भी तैयारी होगी दिखाएंगे, तिल के लड्डू भी बनेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो बस फटाफट चलते हैं सामान लेके आते हैं, उसके बाद दिखाएंगे जो भी कुछ हो रहा है। ये देखो भाई बन रहे लड्डू, और इधर ये गुड़, और ये तिल, तिल गुड़ का लड्डू बन गया लड्डू। देखो बनता जा रहा है और इस पर रखते जा रहा है। ये देखो भाई लड्डू बन चुके हैं पूरे, तिल के लड्डू बढ़िया मस्त वाले। आज देखो भाई मेरा बेटा रेडी हो रहा है फुल, अब ये मान नहीं रहा है, कह रहा मैं भी जाऊंगा, तो भाई इसको ले चल रहे हैं मार्केट, सामान लेने चल रहे हैं अभी। देखो तली सूजी तल के फटाफट, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी लाना नहीं आता, अपना तरफ जो हां जो पहलो पहलो। देखो भाई ऑलमोस्ट सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, शाम के रात हो गई, रात के बज चुके हैं 8:30, और यहाँ देखो पढ़ाई चल रही है। देखो मेरा बेटा पढ़ रहा है और नन्नू भी पढ़ रही है, अभी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। देखो देखो बहुत ध्यान से पढ़ाई, नो डिस्टर्बेंस करते हैं, और यहाँ देखो अभी बहुत सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं, दिखाता हूँ। ये देखो ये क्या चीजें गुड़ी है, ये मीठा मीठा क्या है, ये हलुआ, ये हलुआ है, सिंगाड़े का, सिंगाड़े का, सिंगाड़े का हलुआ है ये, और ये भाई शकरकंदी, आलू, और ये जो सारी सब्जियां, ये सब कुछ सारी को रेडी है पूजा के लिए। बस अभी चांद का इंतजार है, और बाहर भी चांद 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 देखेंगे तभी तो पूजा करेंगे। जब चांद देखते हैं तो छन्नी से, अबे छन्नी से नहीं, छन्नी वाला नहीं है, छन्नी वाला नहीं है, करवा चौथ होता है ये, तो दूसरा है ना ये, हाँ लेकिन पूजा चांद की होगी इसमें। तो गाइस देखो भाई हो चुके हैं हम रेडी, गुड़िया भी हो गई रेडी, और टाइम हो चुका है भाई 10 से ऊपर, 10+ हो गए, 10:30 होने वाले। तो भाई अब चांद निकल चुका है, तो चलते हैं पूजा करने के लिए। बच्चे जा चुके हैं ऊपर और सामान भी ले चुके हैं, माला मैंने ले ली है, कंडी बाहर गर्म हो रही है, तो फटाफट जल्दी से उसे करते हैं गर्म और चलते हैं छत पे, क्योंकि टाइम हो गया है, फटाफट चलो। बड़ी माला तू ले लेगी क्या या? हाँ और ये, अच्छा ये भी मेरे चलना, ठीक है ठीक है। तो भाई चलते हैं फटाफट, देखो कंडी भी हो गई मेरी, और फटाफट चलते हैं छत पे, फिर मिलते हैं। भाई हो चुकी है पूजा संपन्न बढ़िया, और अब चल रहे हैं नीचे, फटाफट नीचे चलते हैं और खाते हैं खाना, बहुत जोर से भूख लग रही है सबको। आओ चले, बाय बाय, चलो कुछ ले जाना सामान यहाँ से। तो गाइस देखो भाई आ गए हम नीचे, और अब रेडी हो रहा है खाना, और बाबू मेरा बैठ चुका है। देखो सर्दियों में आलू, देखो आलू देख रहे, ये बॉइल्ड आलू है, और बॉइल्ड आलू खाने का ना मजा कुछ और है। मैं तीखी चटनी से खा रहा हूँ दोस्तों, दोस्तों तीखी चटनी से खा रहा मेरा बेटा। देखो मैं बताऊँ, देखो ये रही हरी ग्रीन चटनी, देखो ये ऐसे, और अब मेरा बेटा खाएगा, खाओ खाओ, वाह मस्त है ना। देखो गाइस ऐसे ही सर्दियों में ना, अरे अरे कैसा मुंह हो गया। सर्दियों में भी ऐसे बॉइल्ड आलू, पहले तो भाई चूल्हे हुआ करते थे और कंडे जलाकर, उपले जलाकर मतलब, उसके अंदर ये आलू बॉइल करके, और उसका मजा अलग होता था। तो भाई आज बॉइल्ड आलू है और शकरकंदी भी है, तो चटनी के साथ खाएंगे, मजा उड़ाते हैं। पहले फिलहाल तो ये, और उसके बाद आज बना है वही, अभी दिखाते क्या बना है, पहले इसको खिला दूँ बाबू को, उसके बाद दिखा देंगे आज क्या बना है पकवान में। चलो बाबू खा लो, आज बना है पालक पनीर, और ये चावल, और भाई ये पूरियां, और ये है बॉइल्ड आलू चटनी के साथ, और यहाँ है भाई मूढ़ी सैलेड में। तो भाई आज ये खाना बना है, और गुड़िया देखो अपने लिए आलू ले रही बेचारी, और तो उसका कुछ खाएगी नहीं, तो आलू शकरकंदी खाएगी वो भी बिना नमक के। तो भाई ये है आज का खाना, नन्नू खाना खा रही है, देखो बढ़िया एकदम मस्त, बाबू खा के जा चुकी है। तो भाई आज का दिन अब होता है समाप्त, अब हम खाते हैं खाना, और आज की वीडियो में करते हैं आज यहीं एंड, और आप लोगों को आई होप मजा आया होगा जो भी हमने किया, जो भी कुछ आप लोगों को दिखाया, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बहुत बहुत मस्त, और सब लोगों को आज क्या है शकर चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी शकर चौथ सबको खुश रखे, सबके घर में बरकत दे, सब लोगों को स्वस्थ रखे, सारी दुनिया में खुशियां ऐसे ही बरसाए रखे, और सब लोग एकदम मस्त रहें। तो चलो भाई मिलेंगे जल्दी से नए नए वीडियो में। मस्त नए
ऐसे ही मस्ती धमाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड बाय।